हाय गाइस एंड वेलकम टू द वीडियो। सो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप स्टीरियोस्कोपिक जो इफेक्ट हैं या शॉट्स कह लो, तो वो आप अपने फ़ोन पे कैसे ले सकते हैं। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी अपना रेडमी 4। तो कैमरा इसका ठीक ठाक है, अभी फ़िलहाल मैं अपग्रेड करूँगा अपना डिवाइस। तो गाइस देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं एक DIY स्टूडियो क्रिएट किया है फॉर अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे मैं दो टॉर्च यूज़ करूँ और दोनों टॉर्च ने काफ़ी अच्छा काम किया लाइटिंग में। तो क्लोज़अप से आपको शॉट दिखाता हूँ अभी। तो ये क्लोज़अप का शॉट और ये देख सकते हैं लाइट्स ने काफ़ी अच्छा काम किया। ये काफ़ी छोटी लाइट्स थी बट स्टिल काफ़ी अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि स्टीरियोस्कोपिक इफेक्ट आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको खोलना होगा एक ऐप जिसका नाम है मोनो स्टिल्स। तो यहाँ पे आप लोग क्लोज़अप में देख सकते हैं कि ऐप का आइकन कैसे का दिखता है। तो आपको मैं लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है वो top 3 कैमरा एप्लीकेशंस पे आ गई है, तो वेट करो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन ऑन किया है। तो आपको पहले मैं जस्ट फॉर ट्रायल एक कुछ शॉट्स ले रहा हूँ ताकि मेरा हाथ जो है उस मोशन में चल सके। जैसे आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ शॉट्स ट्राई कर रहा था ताकि मेरा हाथ जो है उस मोशन में चल सके। तो आपको करना ही होगा कि आपने वीडियो ऑन करी उस डायरेक्शन में लाकर एक पॉज बस वीडियो बंद कर देनी है। और मैं ऐसे 2-3 शॉट्स ले रहा हूँ जिससे कि अगर कोई शॉट अच्छा नहीं आता है तो मुझे बार बार शॉट्स नहीं लेने पड़ेंगे। एक ही बार हाथ ऐसे मूव करता रहूँगा तो शॉट्स अपने आप एक कुछ तो अच्छे आएंगे शॉट्स। और इस ऐप का मुझे एक फीचर काफ़ी अच्छा लगता है, वो है स्टेबलाइजर। तो हमारा हाथ जो है वो नॉर्मली काफ़ी शेक होता है जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ। सभी का होता है, मेरा नहीं, बट जो स्टेबलाइजर है वो काफ़ी अच्छा काम करता है इसमें। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है इसका कि वो स्टेबलाइज़र जो है वो सचमुच स्टेबल करता है, सिर्फ नाम का स्टेबलाइज़र नहीं है, वो सचमुच काफ़ी अच्छा काम करता है स्टेबलाइजिंग। तो यहाँ पर मैंने कुछ शॉट्स नीचे से भी लिए हैं उसके और कुछ शॉट्स ऊपर से भी। तो नीचे वाले शॉट्स भी मैं आपको पहले थोड़े बहुत ट्रायल्स लेके दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ शॉट्स लिए और देख सकते हैं बैकग्राउंड जो ब्लू है इसका मतलब मैं शॉट्स ले रहा था। तो यहाँ से एक बार दोबारा शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक और शॉट। तो ऐसे बस मैंने इतने शॉट्स लिए थे। तो चलिए बस अब करते हैं अब इसको पूरी तरह एडिट। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं होगा, बस एक बटन दबाना होगा इसमें, वो है स्टीरियोस्कोपिक इफेक्ट मोड ऑन करने का। तो वो भी मैं आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसमें दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह से शॉट्स लिए हैं ताकि आप लोगों को भी पता लग जाए। तो यहाँ पे एक AR मोड है, एक मोशन स्टिल है और एक फास्ट फॉरवर्ड है। तो आपको जाना होगा फास्ट फॉरवर्ड में जाना होगा ताकि अब मोशन स्टिल्स में नहीं जाना होगा। तो फास्ट फॉरवर्ड में जाके वीडियो ऑन करो। वीडियो बनाई और जस्ट वीडियो बनाई। तो 2-3 शॉट्स ऐसे मैंने ले लिए हैं। तो मैं अभी भी बीच में अभी भी अगर मैं कोई स्टीरियोस्कोपिक इफेक्ट बनाना होता है कि वीडियो में या किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग करनी होती है तो आगे से आपको वैसे स्टीरियोस्कोपिक इफेक्ट ही मिलेंगे वीडियो में। तो यहाँ से अभी फास्ट फॉरवर्ड मोड मैंने ऑन किया और नीचे से भी कुछ शॉट्स ट्राई कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो S7 एज का जो मैंने फ्रेम लगाया है यूज़ किया है उसमें मुझे सीरियसली वीडियो एडिट करते वक्त ऐसा फील हो रहा है जैसे सच में मुझे कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन है, जबकि ये वही पुराना नॉर्मल बेजल वाला फ़ोन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने इसको बस इतना ही काम करा है इसका। तो उसके बाद आप इसे छोड़ दीजिए ऐसे बस थोड़ी बहुत वीडियोज़ वगैरह बना कर, तो कुछ ज़्यादा लंबा काम नहीं करना आपको। तो यहाँ से उसके बाद आपको करना यही होगा कि जाना होगा अपनी उस गैलरी में। तो आपको एक और बात बता दूँ कि वीडियोस जो हैं वो सीधा सेव नहीं होंगी, आपको उसी ऐप में जाना होगा, वीडियो एडिट करनी होगी, जो वीडियो पसंद आएगी उसी को सेव करना। क्योंकि मैं खुद भी इतने शॉट्स ले चुका हूँ कि इससे फ़ोन की मेमोरी भर जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक बटन दबाया जिसके कारण मैं मोशन स्टिल ऑन हो गया और स्टेबलाइज़र के बिना देखिए
कैसी आ रही है वीडियो, स्टेबलाइज़र के साथ भी देख सकते हैं आप कितनी स्मूथ वीडियो आ रही है। तो स्टेबलाइज़र ने जैसा मैंने कहा था काफ़ी अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड के साथ एक बटन है जिसमें स्टीरियोस्कोपिक इफेक्ट ऑन हो जाता है। तो गाइस काफ़ी अच्छा फीचर है, जाओ अभी ऐप इंस्टॉल करो और कुछ स्टीरियोस्कोपिक इफेक्ट्स लगाओ, दोस्तों को दिखाओ और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तीनों करना। तो यहाँ पर मैं ये वाला शॉट जो है वो चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है बाकी शॉट्स के कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे आपको शेयर में जाके वीडियो में जाके सेव करना होगा, तो सेव हो चुका है यहाँ पे नॉर्मली। तो गाइस बस यही है। और एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है चैनल के रिलेटेड कि मैंने फाइनली लोगो क्रिएट कर लिया चैनल का, तो आप लोग साइड पे यहाँ पे देख सकते हैं दो लोगो आ रहे होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट तीनों करके जाना और कमेंट्स में बताओ मुझे कैसी लगी वीडियो।